हेलो दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने चैनल टारगेट इन फंडी पर तो इस बिल में आप देख रहे हैं कल से जो कल से तो नहीं कह सकते हम आज से ही कह सकते क्योंकि आज ही सुबह मैच था सुबह चार बजे यूएसए ओमेन अंडर नाइनटीन और वेस्ट इंडीज ओमेन अंडर नाइनटीन टीम्स के बीच जो टी ट्वेंटी सीरीज़ चल रहा है उसका जो सेकेंड मैच खेला जाएगा आज आ, आज नहीं हम कह सकते हैं कल सुबह चार बजे उसके मैच प्रीव स्टार्ट एनालिस तो मैच के प्रीव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस आपको कुछ बताया था कि गईस अगर आपको आग फाइनल टिप्स चाहिए तो आपको ऑब्वियसली हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम पर जाकर टर्बन फ्रेंड स्टेज के सर्च कीजिए और हमारे ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन कर लीजिए साथ ही साथ गैस अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ में वीडियो को लाइक कीजिए और डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी ये हमने आपको बताना भूल गए तो वहाँ पर लिंक में क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो तो गई देर किस बात की आप अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए बात करें मैच की दोस्तों ये मैच भी सुबह चार बजे होने वाले हैं तो गाइस अगर आप जग सकोगे तभी इन्वेस्ट कीजिए नहीं तो आप मत खेलिए जैसे कि आज भी हुआ था कि लाइनअप बहुत देर से आए चार बज गए थे लेकिन दोनों टीम्स के लाइनअप नहीं आए थे तो इसलिए हमने टीम नहीं दिए तो गाइस ये हमने आपको हर एक वीडियो में ही बताता हूँ कि जो मैचेस की लाइनअप ठीक से आते हैं जिसकी प्रॉपर टॉस रिपोर्ट आते हैं टॉस रिपोर्ट अगर ना भी आए अगर दोनों टीम्स की ग्यारह ग्यारह खिलाड़ी लाइनअप पर आ गए तभी हम टीम देते थे तो कोई एक टीम का लाइनअप आ गए तो वहाँ पर टीम देना पॉसिबल नहीं होता है तो इसलिए हमने आपको पहले वीडियो में ही बताया और यहाँ पर भी बताता हूँ कि ये वाले मैचेस में आप पहले से लीग मत जन करके रखिए अगर आप जग सकते हो सुबह चार बजे साढ़े तीन बजे तक अगर आप जगोगे तभी जाकर टॉस के बाद जब लाइनअप आ जाएगी तभी आप लीग ज्वाइंस करना तो वह मैच की बात करते हैं वेनू यहाँ पर सेम ही रहेगा सेंट्रल ब्रोवर्ट पार्क लॉडरल फ्लोरिडा में ये सीरीज का सारे मैचेस होंगे हल्की सी बारिश के चांसेस है अगर कोई ऐसा न्यूज आए तो आपको इन्फॉर्म कर दूंगा ट्रेलिंग हम की बात गए देखिए प्रॉबली यहाँ पर बैलेंस पिच रहेगा जैसे कि हमने आपको बताया था नाइन्टी टू तक यहाँ पर एवरेज स्कोर बनता है बैटिंग बॉलिंग दोनों में ही आपको थोड़ा सा बैलेंस देखने को मिल सकता है लेकिन एक यहाँ पर मतलब आश्चर्य की बात क्या है कि जैसे कि वोमेन लास्ट मैच में वेस्ट इंडीज़ ओमेन को हरा दिया तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है वेस्ट इंडीज ओमन के लिए क्योंकि देखिए हमने आपको जैसे कि प्रेरिट किया था लास्ट मैच में यू एस एमन की विनिंग चांसेस था ट्वेंटी परसेंट और वेस्ट इंडीज ओमन की विनिंग चांसेस थी एट्टी परसेंट लेकिन यहाँ पर पूरा उल्टा हो गया कि वेस्ट इंडीज़ ओमन ने मैच को जीत लिया सॉरी यू एस एमन ने मैच को जीत लिया और वेस्ट इंडीज ओमेन को हरा दिया तो इसलिए इस मैच के लिए भी यू एस एमन थोड़ा सा ज़्यादा फेवरेट रहेगा क्योंकि फॉर्म अच्छा रहेगा और साथ में खुद के पास कॉन्फिडेंस भी रहेगी कि हमने लास्ट मैच पर दूसरी टीम को हरा कर आ रहा हूँ लेकिन वेस्ट इंडीज टीम भी इस मैच पर बैलेंस्ड सीरीज को बैलेंस करने के लिए मैं मदन में उतरेगी तो अच्छा कर सकते हैं तो वही अब हम बात करेंगे दोनों टीम के सही की प्रॉब्ल प्लेंग्स है कि उसके साथ बैटिंग ऑर्डर क्या रहेगा एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर साथ में यहाँ पर प्लेयर रिसेंट परफॉर्मेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो वही सबसे पहले देखिए यू एस एमन की तरफ से चेतना प्रसाद ओपनिंग करने वाला है दिशा धिंगरा के साथ तो ये दोनों अच्छे बैटर हैं जैसे कि हमने थोड़ा बहुत हाईलाइट्स में देखा था कि ये दोनों बॉल देख के खेलते हैं ये नहीं है कि आके और चलाना स्टार्ट किए लेकिन ये दोनों बॉल को देख के खेलते हैं अच्छी चॉइस हो सकते हैं आपके लिए स्पेशली दिशा धिंगरा जो है लास्ट मैच पर अच्छे इनिंग्स बिल्डअप करने की कोशिश की थी स्टार्ट मिले थे लेकिन इनिंग्स को बड़े इनिंग्स में तब्दील नहीं कर पाए आप फिर से एक बार इनको ले सकते हो अनिका कोलन इस मैच के लिए फिर से एक बार फेवरेट चॉइस रहेगा विकेट कीपिंग सेक्शन से बहुत ही बढ़िया होगा नंबर चार की बात करें स्निग्धा पॉल एक रन के साथ विकेट लेस और नंबर पाँच पर आएंगे लीजा रामजीत जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि लीजा रामजीत की बॉलिंग करने का चांसेस बनते हैं लेकिन देखिए लास्ट मैच पर बॉलिंग नहीं की इस मैच पर अगर बॉलिंग करें तो आपके लिए बेस्ट पिक रहेगा नहीं तो आप इनको ड्रॉप भी कर सकते हो क्योंकि देखिए नंबर पाँच में आके सिर्फ बैटिंग करना उतना बढ़िया चॉइस नहीं है नंबर छः की बात करें टिया गोंजलवेस इक्कीस रन के साथ विकेटलेस तो बहुत ही बढ़िया चॉइस अगर आपको लगेगी इस मैच की तरह अगले मैच में भी टॉप ऑर्डर की फ्लॉप होने के चांसेस है तभी आप यहाँ पर टिया गोंजर्वेस या फिर लिजा रामजीत इनको नो डाउट पिक कर लीजिए नंबर सात की बात करें गिरी का कोडेल जो कि अपनी टीम के लिए कैप्टनसी कर रहा है तेरह रन के साथ विकेटलेस गए बॉलिंग इन्होंने भी की सुहानी थरानी इनको भी बॉलिंग मिले लेकिन विकेटलेस गए नंबर नौ की बात करें भूमिका भद्री राजू बॉलिंग करके दो विकेट निकाले तो आपके लिए बहुत ही बड़े चॉस हो सकते हैं इस मैच में भी इनकी पूरे चार ओवर करने का चांसेस है और करेंगे भी सही तन में एक विकेट निकाला रितु सिंह एवरेज चॉस होगा आपके लिए रितू सिंह लास्ट मैच पर तीन विकेट निकाल लिया एवरेज नहीं आपके लिए मास्ट चॉइस रहेगा साथ में कैप्टनशिप के लिए भी एक अच्छा चॉइस बन सकता है आप स्पेशली आप इनको ग्रैल लिक पर ट्राई करो तो आपके लिए अच्छा रहेगा तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्मॉल लिक के लिए कौन कौन से प्लेयर बेस्ट चॉइस रहेगा आपकी टीम पर यहाँ पर है दिशा धिंगरा अनिका कोलन सिंघा पाल को ट्राई कर सकते हो टिया गोंजल भी अच्छा रहेगा गीतिका कोडा ले गई पाँच चॉइसेस उसी के साथ और दो जो है भूमिका भद्री राजू और रितु सिंह सदमिया पर शहीद तन्मय को भी आप एक हस्त टीम पर ट्राई कर लेना ग्रैंड लीग की बात कर रहा हूँ इस बात करें वेस्ट इंडीज अंडर नाइनटीन ओमन की टीम की तरफ से सुनील सौ ओपनिंग करने वाले हैं सलीनी समारोह के साथ सुनीले सौ की बात करें विकेट कीपरिंग सेक्शन पर रहेगा दो रन बनाया सलिनी समारोह सोलह रन के साथ विकेटलेस विकेट गए तो आपके लिए सुनील ए जो है उतना अच्छा चॉइस नहीं है वैसे भी विकेट कीपरिंग कर रहे हैं साथ में ओपनिंग पर आने का चांसेस है तो आप डिफेंसल में इनको ट्राई कर सकते हो सलिनी समारोह सोलह रन और विकेटलेस बहुत ही बढ़िया चॉइस आपके लिए रहेगा भाईस्क्र के लिए भी एक बढ़िया चॉइस रहने वाला है वन राउंड आएँगे डीजे जे नवा जोसेफ़ सत्ताईस रन किए लास्ट मैच पर तो यही थी जो बैटर है वेस्ट इंडीज के लिए अच्छी इनिंग्स खेल कर गए लेकिन बाकी यहाँ पर कोई भी दस रन के ऊपर नहीं कर पाए सब दस के अंदर ही रन स्कोर करे ये भी मास्ट भी रहेगा लिए साथ में कैप्टनशीप भाषक से लिए ठीक ठाक चॉइस बनेगी जायदा जेम्स तीन रन और विकेटलेस अच्छा चॉइस नहीं है उतना अश्विनी मुनी सर आठ रन विकेटलेस कैप्टनशीप कर रहे हैं टीम के लिए तो बस एक चीज आपको जरूर ऑब्जर्व करना है कि बहुत सारे बॉलिंग ऑप्शन है दोनों टीम के पास मिनिमम दोनों टीम के लिए छः छः करके बॉलर यहाँ पर बॉल डालने का चांसेस रहता है नजर निकम्बर बैच पहले हमने इनको आपको बताया था कि ये बॉलिंग कर सकते हैं राइटर मिनियम इस बॉलिंग भी डालते हैं लेकिन लास्ट मैच पर तो बॉलिंग नहीं मिली पता नहीं इस मैच पर बॉलिंग मिल भी सकते हैं नंबर सात की बात करें सभी कैलेंडर पाँच रन बनाया नंबर आठ पर आ सकते हैं समारा रामनाथ बॉलिंग करे लेकिन बैटिंग करके तीन रन बनाए बॉलिंग करके विकेटलेस गए तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हो के डी जयाज मिचेल पहले हम, हमको पता था कि ये टू डाउन या फिर ऑल डाउन आने वाला है क्योंकि देखिए बैटिंग भी अच्छे करना जानते हैं लेकिन यहाँ पर टीम ने इनको नंबर नौ पर भेजा और बॉलिंग मिले एक रन बनाया साथ में यहाँ पर एक विकेट भी निकाला आ, नंबर दस की बात करें केट विलवन देखिए इनको दो से तीन ओवर बॉलिंग मास्टर भी मिलने वाला है इस मैच में भी और शायद एक आध विकेट निकल भी सकते हैं तो आप इनको ग्रैंड लीग पर आसानी के साथ ट्राई कीजिए स्मॉल के लिए आपके लिए उतना सेफ चॉइस नहीं है डिफेना रामनाथ इनके बारे में बात करें एक विकेट निकाला पूरे चार ओवर डालने का इनका चांसेस है तो दोस्तों ये गई प्लेयर एनालिसिस यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर वेस्ट इंडीज अंडर नाइनटीन ओमेन की टीम की तरफ से कौन कौन से प्लेयर मास्ट चॉइस रहेगा सबसे सब पहले है यहाँ पर सलीनी समारोह डी एन अबा जोसेफ दो टॉप चॉइसिस जयता जेम्स को ट्राई कीजिए अश्विनी मुनि सर ये चार चॉइस आपके लिए अच्छा रहेगा उसके साथ के डी जैज मिचेल और निबेना रामनाथ तो ये छः प्लेयर्स आपके लिए स्मॉल की टीम पर मास्ट होना चाहिए और आप इनको ग्रैंड लीग में भी ट्राई कर सकते हो तो यहाँ पर फिलहाल देख लीजिए स्मॉल लीग के लिए कौन कौन से प्लेयर डिफॉल्ट कैप्टनशिप भाजपा चॉइस पर रहने वाला है डी ए नवा जोसेफ़ गीतिका कोडाइल रितु सिंह जयदा जेम्स ये चार को आपके स्मॉल की टीम पर जरूर कैप्टन और भाजपा बनाइए ग्रैंड लीग भी आप बना सकते हो लेकिन तभी आपको क्या करना चाहिए ग्रैंड लीग के टीम का जो बाकी प्लेस है उनमें से आपको एक से तीन तक अलग अलग टीम पर चेंजेस करना है तो अगर ग्रैंड लीग चॉइसिस की बात करें असमिन मुनीसर है लीजा रामजीत है नजरनी कम्बर बैच है और सलीनी समारोह है तो ये चार को आपके ग्रैंड लीग की टीम पर नोट आउट ट्राई कीजिए कोई दो को लेकर रिस्की चॉइस पर मस्कर बना सकते हो या फिर आप यहाँ से एक से लेकर तीन तक अलग अलग प्लेयर्स को ग्रैंड लीग की टीम पर रोटेशन करते हो तो ये भी अलग कॉम्बिनेशन बनाकर ग्रैंड लीग ज्वाइन कर सकते हो वो आपके ऊपर रहेगा आप कौन से चॉइस पर जाओगे तो बस फिर फिलहाल ये रहेगा आपके लिए स्टेट के बाद अभी चलते हैं ड्रीम इलेम की तरफ वहाँ पर हमने स्मॉल का एक डेमो टीम बनाकर को दिखाएंगे लेकिन फाइनल टीम जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा अगर टॉस के बाद फाइनल लाइनअप आ जाए तब तो गाइस हमने आपको फिर से एक बार बताया था कि अगर फाइनल लाइनअप नहीं आए तो आपको टीम नहीं मिलेगी और आपको बहुत पहले से बहुत आगे से आपको लीग्स नहीं ज्वाइन करना है टॉस के बाद जब लाइनअप आएगी तभी आप लीग ज्वाइन करो हो सकता है वहाँ पर एक मिनट बचे या फिर दो मिनट बचे हम आपको ज़रूर टीम देंगे उसके बाद आप लीग ज्वाइन करना क्योंकि देखिए ऐसे वाले मैचेस में कभी कभी लाइनअप नहीं आते हैं अभी आपकी जो पैसा आप लगाओगे वो वेस्ट जाने वाला है तो इसलिए आप कोशिश करना कि पहले से लीग ना ज्वाइन करने का और टॉस के बाद रहना पाने के बाद लीग ज्वाइन करने का तो बस यहाँ पर हमने आ गया है डीम एलिवरी पर, पर विकेट कीपिंग सेक्शन पर जो मास्ट भी रहेगा अनिगा कोलन ए सौ ये भी ओपनिंग करने वाला है तो आप चाहो तो इनको भी ले सकते हो लेकिन आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंशियल चॉइस होगा आप ग्रैंड लीग पर इनको ट्राई कर लीजिए बैटिंग सेक्शन पर रहने वाला है लिजर रामजीत जायदा जेम्स टी तो टॉप तीन चॉइसेस तो गाइस इस यहाँ पर हमने ज़्यादा से ज़्यादा सेफ प्लेयर्स को लेके ही जाएंगे क्योंकि वोमेंस की जो लीग होते हैं वैसे भी यहाँ पर अंडर नाइनटिन वोमेंस की लीग है तो यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंशियल पिक कोई उठ के नहीं आएंगे जो सेफ होंगे वही परफॉर्मेंस करेगी के जा मिचेल हमारी टीम पर रहेगा क्योंकि देखिए बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी अच्छे कर लेते हैं तो इसलिए इसको हमने हमारे टीम पर पिक करेंगे डी ढींगड़ा और ए कैलेंडर सी प्रसाद अपने ग्रैंड लीग पर बढ़िया चॉइस होंगे ऑलराउंडर सेक्शन की एक बार बात कर लेते हैं डी जोसेफ रहेगा एस समारोह जी कोडाइल कोडाली यहाँ पर रहने वाला है के उलम्स और एस पाल इन दोनों को आप ग्रैंड लीग पर ट्राई कर लीजिए आर ग्रीम अगर खेले उसी के साथ यहाँ से अगर ए शिवरा शर्मा खेले तो इनको आप ग्रैंड लीग पर ट्राई कीजिए नो डाउट अच्छा रहेगा आपके लिए बोलिंग सेक्शन की बात करें रितु सिंह मास्टपिक ए मुनिसर और उसके साथ यहाँ पर आपके लिए बी भद्री राजू अच्छा चॉइस रहेगा आप यहाँ से कम्बार बैच और इस तन्मय को भी ले सकते हो इन दोनों में से किसी को ट्राई कर सकते हो सोहनि थरानी अगर चार बार पूरे बोलिंग रहे तभी आपके लिए मास्ट पिक रहेगा नहीं तो इनको ड्रॉप कीजिए एस रामनाथ आपके लिए ग्रैंड लीग पर अच्छा चॉइस बनेंगे तो गई फिलहाल कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की एक बार बात कर लेते हैं डी जोसेफ सेफ सेप्टन के साथ से भाई कैप्टन रहने वाले जी कोडा आप ट्राई कीजिए जेड जेम्स को और उसके साथ आप यहाँ पर एल रामजीत को थोड़ा सा डिफरेंशियल में एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो गाइज यहाँ पर सेव करके आपको प्रीव्यू दिखाऊंगा प्रीव्यू थोड़ा सा ग्रैंड लिग के बारे में डिस्कस कर देंगे फिलहाल हमारे विकेट कीपिंग सेक्शन पर रहने वाले हैं एक अनिका कोलन बैटिंग में है एल रामजीत जायदा जेम्स टी गोंवेस और के जाज मिचेल चार टॉप बैटिंग चॉइसेस ऑलराउंडर्स में है जी कोराली डी जोसेफ एस समारू और बॉलिंग में अभी रहने वाले है ए मुनिशर बी भद्री राजू और आर सिंह कैप्टन बाइसकम रहने वाला डी जोसेफ़ और जी कोराली आप ग्रैंड लीग के लिए ट्राई कीजिए ऑब्वियसली के जाज मिचेल उसके साथ टी गोंवेस एल रामजीत एस समारोह ए मुनिशर और बी भद्री राजू आर सिंह रितु सिंह भी आपके लिए ग्रैंड लीग में बड़े चॉइस हो सकते हैं तो गाइस ये रहेगा फिलहाल आपको एक स्मालिक का डेमो टीम फाइनल टीम के लिए आप अभी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर है तो आप अभी जाकर हमारे टेलीग्राम चाल को ज्वाइन कीजिए लिंक पर क्लिक करके और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना साथ में बेलकन को भी दबा देना ताकि आने वाले सारे वीडियो सब तक पहले मिल जाए और एक अच्छा सा टीम बनाए अच्छा सा विनिंग कीजिए थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर